परिक्रमा करे श्री राम, और परिक्रमा करके अपन माता पिता के चरणों में गिरे। भोलेनाथ आशीर्वाद दे कहे जय हो रे मोर लाला। माता पार्वती के चरणों में गिरे, माता पार्वती अपन सीना से लगा ले गजानन स्वामी ले कथे बेटा धन्य है रे लाला। आज मोर हृदय है तोरा गदगद होगी बेटा, आज मोर प्रेम के आंसू आ गए रे लाला। मोर तोर भाव भक्ति ला देख के, माता पिता के अगाध भाव भक्ति ला देख के बेटा मोर आज हृदय गदगद होगे। मोर ममता है तोला आज जाग रे लाला। आज मैं तोला तोर गोद गोदी में लेके बेटा में ऐसे लगते आज मैं तोला खिला लेते हूं कुदा देते हूं रे। ऐसे कही के माता पार्वती रहे सिया राम। माता पार्वती कहते चल लाला आज मैं तोला गोद में लेके खिला लूं रे। थोड़ा सा मैं आज अपन ममता ला याद, मैं अपन ममता में बांध लूं रे मोर लाला। ऐसे कही के गजानन स्वामी ला सिया राम। माता पार्वती भोलेनाथ पकड़े और भोलेनाथ माता पार्वती रहे सिया राम। गजानन स्वामी ला कथे अर मोला नेक लागे लाला, अमोला नेक लागे लाला तोर भाव भक्ते हराम। अमोला नेक लागे लाला तोर भाव भक्ते हराम। अमोला नेक लागे लाला तोर भाव भक्ते हराम। अमोला नेक लागे लाला तोर भाव भक्ते स्वामी ला अपन ममता में पान दिखे कथे सिया राम। भोलेनाथ माता पार्वती कथे जा बेटा लाला आज रे तिहार माता पिता के सच्चे भाव भक्ति से आज तिहा परिक्रमा करके लाला तीन लोग 14 भुवन लते जीत गए। जा लाला हमारे आशीर्वाद है आज ते तीन लोग 14 भुवन लते जीत गए कथे सिया राम। माता पिता के आशीर्वाद लाला तोर ऊपर है आज तक दिन लोग 14 भुवन के स्वामी बनबे सिया राम। ऐसे ढंग के सिया राम माता पार्वती और भोलेनाथ रहे सिया राम। गणेश देवता लाए आशीर्वाद दे और गणेश देवता रहे सिया राम। माता पिता के आशीर्वाद ला लेके कहां सिया राम। दिन लोग 14 भुवन के आसन में विराजमान होए बच चले सिया राम। नरतन हागरामा बड़ पापी हो गे राम। तोरे नरतन हागरामा बड़ पापी हो गे Thank you.
माता के आशीर्वाद ला लेके सियाराम। तीन लोग 14 भुवन के राज सिंहासन में बैठे बर चले और ये ढाल रहे गणेश देवता के बड़े भाई कार्तिक, जेकर सवारी है मंजूर सियाराम और कार्तिक स्वामी सब देवता से पहले आगे निकल गए और दुनिया भर ला घूमता थे। तीन लोग 14 भुवन के परिक्रमा करके सियाराम अगले पहले पहुंचा थे। कार्तिक स्वामी रहे मंजूर में बैठे हैं और सबसे आगे परिक्रमा करके दौड़े दौड़े चले कहे सियाराम रामा भजो सियारामा भजो सियारा मैं कार्तिक स्वामी सबसे पहली परिक्रमा करके मैं आ रहा मेरी पूजा इस धरती में इस मृत लोक में मेरी पूजा पहली होगा। कार्तिक स्वामी गदगद हंसते हुए चले और कार्तिक स्वामी राम यार दौड़े और दौड़ेगा चल पहली परिक्रमा करके मैं आ रहा हूँ और गणेश देवता आधा अधूरा परिक्रमा करके आया है और मेरी राज सिंहासन में बैठ गया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक स्वामी दौड़ के गिर सियाराम जाके गणेश देवता के भुजा ला पकड़ के कहे गणेश बड़े भाई पहली परिक्रमा करके आ रहा है और बड़े भाई के होते आज तू मेरी राज सिंहासन में बैठ गया। नहीं बड़े भाई के रहते तू नहीं बैठ सकता। गणेश आज मेरा क्रोध आज बबूला की तरह भाग गया है। आज मैं तोला मारे बिना नहीं छोड़ा, आज तोला मारे बिना नहीं छोड़ा गणेश। ऐसे कार्तिक स्वामी के क्रोध बढ़ गए कहे सियाराम गणेश देवता कथे मोर भैया के क्रोध बढ़ गए न जाने जाइए मोर ऊपर का गुस्सा कही देखा ले मोला भागना चाहिए। गणेश देवता रहे सियाराम जोर के भाग गए, कार्तिक स्वामी रहे कथे कहाँ जाबे गणेश देवता रे हमारे बिना तोला मैया नहीं
कार्तिक स्वामी गणेश देवता के खिसाला पड़ी थोथमाला पड़ी मुगंदर में गणेश भगवान है तोर पीर में गिर गए। गणेश भगवान है तो ना पीड़ा के मारे कह रहा थे कहे भैया भैया कार्तिक स्वामी आज ते बोला मुगंदर में मार के भैया आज ते बोला दुख पहुंचा दे भैया बोला तकलीफ पहुंचा दे मोर भाई कार्तिक भैया सुख दाई अल्लाह के भैया भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो भैया गा भजन बिना बेड़ा पार नहीं पैरा भैया कहते तोर क्रोध ला शांत कर भैया याद दे बोला दुख पहुंचा दे बोला पीड़ा पहुंचा दे भैया मुगंदर में मात के मोर भाई कहल लागे सिया राम जय जय कार्तिक स्वामी कहे गणेश अभी तो अप्रैल देखे यार 33 कोटि देवता यही तब मैं कर फैसला ला करूं कहते सिया राम जय जय तो प्यारे सज्जना गणेश भगवान के खिसा टूट जाते मुगंदर में मारते गणेश भगवान ला तो एक धान के खिसा टूट जाते कहां सियाराम जय जय और गणेश भगवान के खिसा टूटे के तीन कारण है कथे सियाराम जय जय पहली कारण है सियाराम गणेश भगवान के खिसा ला परशुराम जब मारते गुस्सा में क्रोध में गणेश देवता या परशुराम के बीच में अनबन हो जाते कहे सियाराम क्रोध में आके जब परशुराम मारते तो गणेश भगवान के खिसा टूट गए कथे सियाराम दूसरा कारण है सियाराम ये कार्तिक स्वामी है क्रोध में आग मारते तब टूटे कहे सियाराम तीसरा कारण है सियाराम गणेश भगवान है तो ना स्वयं अपन खिसा ला टोर के महाभारत की रचना करते कहो सियाराम ऐसे टाइप के गणेश भगवान के खिसा टूटे के कारण है कहो सियाराम तो प्यारे सज्जनों हम ये झांकी के माध्यम से दिखा था कि कार्तिक स्वामी तो ना मुगंदर में मारते भाई भाई के झगड़ा में तब खिसा टूट गए कहे सियाराम ये ढाले 33 कोटि देता रहे सियाराम अपनी अपन सवारी में सवार होके 3 लाख 14 भुवन के परिक्रमा करते करते धीरे धीरे वही परिक्रमा स्थल करते हुए भैया 3 लाख 14 भुवन के परिक्रमा करते पहुंचे कहे सियाराम जय 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 सियाराम जय जय धीरे धीरे पहुंचा थे अरे ये ढाल ले सब ले पहली अब ब्रह्मा विष्णु महेश तो ना पहुंचे कहे सियाराम जय जय राम कहो सियाराम जय जय राम सुमरा हो मर गणेश देवला सुमर सारी दा माहिल राम
परिक्रमा करते हुए पहुंचे सियाराम। कैसे पहुंचे कार्तिक स्वामी कथे 33 कोटि देवता। सबसे पहले मैं परिक्रमा करके आऊ और मोर ले पहले मोर छोटे भाई गणेश देवता आधा अधूरा परिक्रमा करीस और यहाँ के मोर ले पहले 3 लोग 14 भुवन के राज सिंहासन में बैठ गए सियाराम। मोर पूजा ये धरती में पहली होना चाहिए, मोर पूजा ये धरती में पहली होना चाहिए सियाराम। 33 कोटि देवता कथे हे कार्तिक स्वामी देवर से नारद आवत होही और देवर से नारद लयान दे तहन फिर सब हमन चर्चा चलाबो कथे सियाराम। और ये ढान देवर से नारद कथे नहीं चलो सब देवता परिक्रमा करके आगे होही। मोला जाके पता लगाना चाहिए कि कौन देवता पहली परिक्रमा करके आहे सियाराम। और देवर से नारद हरि गुनगावत बिना बजावत कहे सियाराम। सभाई स्थल में अब गोविंदा नाम हरे हरे गोपाला नाम हरे हरे चाहिए। और मोला फैसला ला सुनना है कि कौन देवता पहली परिक्रमा करके पहुंचे है कहे सियाराम। सब देवता इकट्ठा हो गए देवर से नारद के इंतजार कर थे और ये ढाले देवर से नारद हरी गुनगावत बिना बजावत सब स्थल में पहुंचे कहे सियाराम। गोविंद नाम हरे हरे गोपाला नाम के प्रणाम स्वीकार करो कहे सियाराम। देवर से नारद कहे नारायण नारायण। कौन पहली परिक्रमा करके आहो, कौन देवता पहली परिक्रमा करके आ रहे हो और मोला सुनाओ कहे सियाराम। बीच में कार्तिक स्वामी कहे देवर से सबसे पहले मैं परिक्रमा करके आहो मगर मोर छोटे भाई गणेश देवता कते कर ले आधा पिछले परिक्रमा करके आईस और मोर ला पहले 3 लाख 14 भुवन के आसन में बैठ गए। वो गणेश देवता ला पूछो कि वो कैसे ढंग के 3 लाख 14 भुवन के परिक्रमा करे हे सियाराम। देवर से नारद कथे कोई तो कारण होई कार्तिक स्वामी गणेश देवता कोई कारण होई कैसे तब के परिक्रमा करे है बोला गणेश देवता बताही। आप मन पूरा होकर विवरण ला सुनो कथे सियाराम। देवर से नारद कथे हे गणेश देवता कैसे ढंग के त्योहार 3 लोग 14 भुवन के परिक्रमा ला करी है ये 33 कोटि देवता ला ते बता दे गणेश देवता ऐसे कहा लागे सियाराम। गणेश देवता कहे सभा में जाकर खड़ा हो गए
जन हाथ ला जोड़ के कथे सब 33 कोटि देवता ला गणेश देवता के प्रणाम स्वीकार हो। गणेश देवता कथे 33 कोटि देवता सबके बड़े बड़े सवारी है और मोर नांचन सवारी है सियाराम। मैं दुनिया भर निगेंज घूमेला, मैं कैलाश पर्वत में मोर माता पिता के चरणों में परिक्रमा करे भर गेव कथे सियाराम। और मोर माता पिता के मैं तीन परिक्रमा करे, मोर माता ला तीन लोग माने, मोर माता ला तीन लोग कैसे माने तहुला सुन ले कथे सियाराम। मोर माता ला तीन लोग माने के कोई कारण है, ओकर पीछे कोई कारण है। 33 कोटि देवता तुमन सुनो, ऐसे कही के गणेश देवता सुनावन लागे कथे सियाराम। गणेश देवता कथे सिया रामा सिया मोरे रामा, सिया रामा सिया रामे देवता। मोर माता के गर्भ में पहली लोग माने, हर जीव है दोना अपन माता के गर्भ में पहली आते, चाहे वह अंडा देने वाला हो चाहे वो जन्म देने वाला हो, मगर माता के गर्भ में पहली आते। 33 कोटि देवता मोर माता के गर्भ में पहली माने, पहली लोग माने हो कथे सियाराम। गणेश देवता कथे दूसरा लोक मै मान हो रामा, सातक धार बोर अपर संतान के लालन पानल पोषण करते, हर संतान है तो ना अपन माता के गो रस लपी के एक काया शरीर के विकास होते, बी से पूरा ये शरीर के विकास होते। 33 कोटि देवता एलो में दूसरा लोक माने कथे सियाराम। तीसरा लोक मैं माने हो रामा, विवाह बंधन मुझे बांध दिए ऐसे कही के माता पिता अपन संतान के बर बिहाव करते, उसने टाइप के मोर माता पिता मोर बर बिहाव कर दिस। तीसरा लोक में येला माने कथे सियाराम। कथे 33 कोटि देवता जिस प्रकार से ये सारी 14 भुवन में हर संतान है तो ना, हर जीव है तो ना, अपन माता के काया शरीर से रज वीर्य से ये शरीर के विकास होते, उसने डाट के मैं 14 प्रकार के 14 भुवन के सब जीव मंथन करके मैं मंथन कर रहे हूँ, और मैं हर ये माता पिता के तीन लोग 14 भुवन मान के मैं माता पिता के तीन परिक्रमा करे हो कथे सियाराम। माता पिता के चरणों में ही चारों धाम बसे हैं, तीन लोग बसे हैं। अब तू ही मन बता 33 कोटि देवता माता पिता के चरण के सेवा ले, ये तीर्थ बड़े हैं कि ये चारों धाम बड़े हैं कथे सियाराम। 33 कोटि देवता कहे धन्य है गणेश,
धन्य है गजानन स्वामी, वाकी में गजानन स्वामी जे संतान अपन दाई दादा के सच्चे भाव भक्ति से सेवा करी, बोला कोई तीर्थ धाम चारों धाम घूमे के कोई जरूरत नहीं, माता पिता के चरणों में ही सबो धाम बसे है। वाकी में गणेश देवता सही अर्थ में दे आज तीन लोग लतिया घूमे तो से पहली कोई नहीं घूमे थे, पहली घूमे गणेश देवता, धन्य है गजानन स्वामी, वाकी में तोर पास गुण है, गुण के सागर है गणेश देवता, आज ले तोर इस गुणवान के कारण, आज तोर व्यवहार कुशल बुद्धि के कारण आज ये धरती में तुरे पूजा पहली करबो कथे सिया राम जय जय, इस कोटि देवता रहे तो कहे जय हो गजानन स्वामी, जय ज्ञान बुद्धि के देवता तोर जय हो, ऐसे कही के 33 कोटि देवता सियाराम तीन लोग 14 भुवन के आसन में बैठाए गणेश देवता ला, और गणेश देवता ला बैठा के सियाराम गणेश देवता के पूरा अर्जी भी नहीं करे, कहे सियाराम गजानन स्वामी के आरती करे, कहे लंबोदर महाराज धन्य है आज सब ला तोरे जैसे ज्ञानवान बनाबे, सद्बुद्धि देवे, गुणवान बना के रखबे, कहे सियाराम जय जय, गणेश देवता के 33 कोटि देवता रहे सियाराम, अर्जी विनय करे, कहे सियाराम जय जय, बोल लंबोदर महाराज की गजानन तोर आरती लंबोदर तोर आरती करेंगे हाथ जोड़ के जाते कहां सियाराम जय जय, और ये दिले गणेश भगवान के पूजा है तो ना ये धरती में ये मृत लोक में पहली होते सियाराम जय जय, ये रही समर गणेश पूजा के कथा सियाराम, अब गणेश भगवान है तो ना सियाराम चंदन और श्राप दे है कि यदि मैं
हर अपन परिश्रम से अपन मेहनत से 3 लाख 14 फूल ले यदि जीत जाऊं और मैं जिस दिन कुर्सी में विराजमान हूं आसन में विराजमान हूं और जय दिन मैं पूजा होगी वो दिन कोई तोर सकल सूरत ला देखी चंदा वो दोष कलंक भी मल्ला लग जही और वो दोष कलंक के कारण वो राज में घोर अकाल पड़ जही कहे कहे सियाराम जय जय और ये काल चक्र है सियाराम समय के गति के अनुसार परिप्रक्ष ये द्वापर युग में परिवेश करे पर चले कहे सियाराम जय जय सियाराम जय जय कृष्ण यार बलदाऊ रहे सियाराम एक यादव के घर में जन्म ले रहा है और उकर काम है कि गैया चराए के और जिस दिन गणेश भगवान के पूजा होत रहे सियाराम वे दिन कृष्ण बलराम है गैया चराए पर चले कहे सियाराम माया बजरियल गुमरत गुमरा माया बजरियल गुमरत गुमरा अपोकट दिन हा पहाये राहेरा जैसे काया तोरे कान चन जैसे काया माटी मा मिल जाए राम तो रहे राज जैसे काया जीवन के राहत ले सत्संग में बैठ के भगवान के भजन पूजन ला सुन ले गालिन कहो सियाराम जय जय सियाराम जय जय सियाराम जय जय सियाराम अब एक दिन रहे कृष्ण भगवान और बलदाऊ रहे सियाराम गैया चराए पर निकले और गैया चराए पर निकला थे और भी दिन गणेश भगवान के पूजा हुआ थे कहे सियाराम के बजैया तोला सुमरत हवा रामा अब गैया के चराया तोला चिल्लाए कहे ये
सिया राम कृष्ण बलराम हे तो नहा अपन सखा तन सुखा मन सुखला आवाज दे के चिल्लावल लागे कहे सिया राम आवाज दे के चिल्लाए कहे वही का समय के अब बेरिया लग कहार सखा तन सुखा अब मन सुखा गा कहा रामा अब दौड़ेगा दौड़े ये दे चला न लागे बलदाऊ रहे अपन सखा मल्ला आवाज देके चिल्लाए कहे सिया राम जय जय राधे श्याम सीता राम सिया राम जय जय सखा मन दौड़े दौड़े चले कृष्ण भगवान बलदाऊ रहे सिया राम जय जय सिया राम जय जय कैया चराए बर सिया राम अर मधुबन में चले कहे सिया राम 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 सीता राम सिया राम जय जय राम साखा मन सिया मोरे राम हो रामा अब गैया लेके मोरा चला न लागे रामा अब वही का समय वही बेरिया में हो करे सखा कहे हे बलदाऊ भैया हे कन्हैया काबे आवाज देखो कथे सिया राम जय जय सिया राम कथे चलो गैया मल्ला मधुबन की ओर ले चलो आज गैया चराए भर जाना है आज गैया चराए भर जाना है कहे सिया राम जय जय और सखा मन रहे तो सिया राम गैया ला इकट्ठा करके मधुबन में ले गए और मधुबन में ले जाके कहे सिया राम जय जय बलदाऊ सखा मन कथे चलो गैया मन चरत है अब हमन ही मधुबन में खेलबो कूदबो कहे सिया राम कृष्ण बलराम रहे सखा मन है तो ना सिया राम और वही मधुबन में खेलन कूदन लागे गैया है तो ना घुमर घुमर के चरे सिया राम से खेलत कूदत है अब मौका मोरा ले बजा मोका मुराले बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया मोका मुराले बजाए मोका मुराले बजाए छोटे से श्यामा कन्हैया श्यामा कन्हैया छोटे से श्यामा कन्हैया ओ छोटे से श्यामा
रहे भैया रहे घुमर घुमर के चले खेला खेला शाम के बेर हो गए कृष्ण बलदाव का थे सका हो चलो गैयाला इकट्ठा करो चलो अब गोकुल नगरी जाना है ऐसे कहेगा कृष्ण बलदाव है तोरा सका के संग में और गोकुल नगरी के तरफ चले कहे सिया राम गोकुल नगरी के किनारे में सियाराम यमुना नदी रहे यमुना नदी में कृष्ण बलदाव है तो ना कथे चलो सकाओ दिन भर के खेलाई में हमार हाथ पैर पसीना पसीना हो गए आज यमुना नदी में हाथ पैर धो ले वो ऐसे कही के यमुना नदी में सियाराम कृष्ण बलदाव सका है तो ना यमुना नदी में हाथ पैर धोए बार उतरे कहे सियाराम यमुना नदी के घाट में उतरे है और वही दिन गणेश भगवान के पूजा हुआ थे कहे सियाराम आदो मास के शुक्ला चतुर्थी के दिने और गणेश भगवान के पूजा हुआ थे और चतुर्थी के चंदा है सियाराम आकाश में हुए रहा है कृष्ण बलदाव है तो ना जैसने सिर ला झुका थे हाथ पैर ला धोए बर पानी ला ले बर उसने चंदा के परसाई ला कृष्ण भगवान और बलदाव देखते जैसने देखी तो चंदा खलखला के हंसे ओ कृष्ण बलदाव ए कृष्ण बलदाव दोनों भाई बोला देख डारे हो आज बार परछाई ला तुम दोनों भाई देख डारे हो गणेश भगवान मोला श्राप दे है कि जे दिन बार पूजा होही वो दिन जो भी तोर सकल सूरत ला देखी चंदा वो दोष कलंक ओकरे ऊपर चल दही छुआसूत ओकरे ऊपर चल दही और उस छुआसूत के कारण चंदा ओ राज में घोर अकाल पड़ जाए घोर अकाल पड़ जाए ऐसे बोला गणेश देवता श्राप देहे कथे सियाराम आओ मोर दोष कलंक तुम दोनों भाई ला लगे कहे सियाराम ऐसे ढंग के सियाराम कृष्ण भगवान और बलदाऊ ला चंदा के दोष कलंक ही दिल ले लग जाते कहे सियाराम बलदाव है तो ना सियाराम धीरे धीरे गोकुल नगरी और गैया ला लेके सखा के संग में चले कहे सियाराम और राधे श्याम सीताराम कहे सियाराम नई बाजे कन्हैया तोरे बिना बंसी नई बाजे हो राम और नई बाजे कन्हैया तोरे बिना बंसी नई बाजे राम धीरे धीरे जब समय गुजरे एक साल बीत गए दो साल बीत गए दस साल बीत गए ऐसे समय है सियाराम कृष्ण भगवान और बलदाऊला चंदा के दोष कलंक तो ना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिस कहे सियाराम कृष्ण भगवान कथे बलदाऊ भैया हमला चंदा के दोष कलंक लग गए जेकर प्रभाव अब दिखाए के शुरू कर दिस पानी गिरना बंद हो गए घोर अकाल हो गए अब हमला पूजा पाठ करे लागी
कथे सियाराम। अरे ये सुअछूत ला मिटाए बर, ये चंदा के दोष कलंक ला मिटाए बर बलदाऊ भैया हमला पूजा पाठ करे लागी कथे सियाराम। बलदाऊ भैया कथे हे कन्हैया तो पूजा पाठ चल कर ले वो कथे कहे सियाराम। कन्हैया कथे नहीं बलदाऊ भैया, ये पूजा पाठ में श्यामंतक मारी के जरूरत है, और जब तक ये श्यामंतक मारी ला नीलाबो तब तक हमार पूजा पाठ पूरा नहीं होए कथे सियाराम। बलदाऊ भैया कथे हे कन्हैया तो ये श्यामंतक मारी ला कहाँ ले लाबो, कहाँ मिली ते जानता का, ते जानता का कथे कहे सियाराम। कृष्ण भगवान कथे हाँ बलदाऊ भैया ये श्यामंतक मारी है सत्रजित राजा के पास में है, और सत्रजित राजा ला ये श्यामंतक मारी ला मांगे भर जाबो कथे सियाराम। कृष्ण भगवान बलदाऊ भैया ला कथे हे बलदाऊ भैया